हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे अनबोटू। ये अनबोटू होता क्या है और हमारा लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक बार का एक कहानी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं, मानव वैज्ञानिकों जो मानव के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। साउथ अफ्रीका में एक आदिवासी एरिया में कुछ बच्चे, लगभग 15 बच्चे हो गए, उनको लेके एक गेम प्लान किए। गेम ये था, उन्होंने बास्केट में कुछ फ्रूट्स रख के एक ट्री के नीचे रख दिए, लगभग 100 मीटर दूर होगा वो बच्चे से। तो उन्होंने बोले, जो बच्चे पहले वो फ्रूट्स के पास पहुंचेगा तो वो फ्रूट्स उनका है। तो 15 बच्चे थे, उन्होंने उनका इंस्ट्रक्शन तो वेट किए कि वो जब गो हेड बोलेंगे वो दौड़ेंगे। तो जब इन्होंने गो हेड का इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये सारे जो बच्चे थे, 15 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का हाथ को फोल्ड करके दौड़ना स्टार्ट किए, रनिंग किए, और एक साथ सारे वो 15 बच्चे वो बास्केट के पास पहुंच गए। तो उसके सारे जो उनका जो रूल था कि जो पहले पहुंचेंगे सारे फ्रूट्स उन्हीं का, तो ये सारे एक साथ पहुंचे तो फ्रूट्स को डिवाइडेड करके खा ली। ये देख के वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक, वो बच्चे लोग को पूछे, तुम लोगों ने क्या किया? तो सारे ने आंसर दिए, अनबोटू। इसका मतलब, एक बच्चा कैसे खुश हो सकता है जबकि बाकी 14 बच्चे दुखी है। इसका मतलब, आई एम बिकॉज वी आर। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज एक साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री से और आदिवासी एरिया का बच्चे लोग ने फ्लो कर रहे हैं जेनरेशन को, ये जो आज का जेनरेशन और हम सबको, कि आई एम बिकॉज वी आर। अब सोचिए, ये एक एटीट्यूड है हमारा अंदर में। अगर ये एटीट्यूड को हमारा अंदर में बिल्ड कर देंगे, हम किसी भी प्लेस में जाएंगे तो इस एटीट्यूड से हमारा एनवायरनमेंट को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देंगे, सब सेटिस्फेक्शन में रहेंगे। आप सोचिए, किसी एनवायरनमेंट में क्यों, हमारा घर में जो जनरल लाइफ में झगड़ा झगड़ते हैं, बहसबाजी होता है, कोई शांति से रहते नहीं, आपको पता ही है, हर घर घर का कहानी हो गया। अगर वो सारे फैमिली के जो बंदे हैं आई एम बिकॉज वी आर को फॉलो करेंगे, तो ये क्या जो झगड़ने वाला चीज़ें हैं, जो फैमिली में डिस्टर्बेंस होते हैं या वर्क कल्चर में डिस्टर्बेंस होता है, वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हमारा जो लाइफ है 50 और 60 और 70 वो तो फिक्स है। अगर हम ये एटीट्यूड को बिल्ड कर देंगे तो हमारा, हम मरने के बाद भी आदमी को याद रखा जाएगा। आप देखिए, आज का डेट में कोई एक सेलिब्रिटी को उठा लो, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होते वो आ रहे और एक सेलिब्रिटी आ रहे, मान लो विराट कोहली आ रहे, तो आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए? क्यों? वो एटीट्यूड इनके अंदर बिल्ड था, आई एम बिकॉज वी आर। वो देश के लिए कुछ करके इतना देखे गए कि हम उनको दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो तो मर गए लेकिन वो जिंदा है हमारा दिल में, बिकॉज इनके पास ये एटीट्यूड बिल्ड था। अगर आप लोग भी एटीट्यूड बिल्ड कर दोगे, पैसा वाला अमीर तो बहुत है लेकिन ये वाला अमीर जो बनेंगे सब याद रखेंगे, और हमारा जो फैमिली और पर्सनल लाइफ में जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्लोज हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ये अनबोटू जो छोटे बच्चे, साउथ अफ्रीका के जो बच्चे हैं वो मैसेज दे रहे, तो वो बिल्ड कीजिए ताकि आपका भला होगा और आपका एनवायरनमेंट भी भला होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और सही बता रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक। थैंक यू।